हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका और हमारा यूट्यूब चैनल जॉब सर्च पर। दोस्तों, आज 7 दिसंबर 2019 शनिवार की फिर से हम आपके लिए एक बड़े भर्ती के अपडेट लेके आई है। ऑल इंडिया जॉब लोकेशन है, मेल या फीमेल बोथ कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। 8वीं, 10वीं, 12वीं और भी अन्य योग्यता से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मेल या फीमेल बोथ कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस वीडियो में हम पूरा जानकारी आपको देंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना कोई वक्त गवाए आज एक बार भर्ती की जानकारी। फ्रेंड, ये पोस्ट इंडियन आर्मी में निकली है। फ्रेंड, आप सिर्फ इस बातों को याद रखिए, ये फॉर्म सिर्फ भर सकते हैं यूपी यानी उत्तर प्रदेश स्टेट का 10 डिस्ट्रिक्ट का कैंडिडेट। इस वीडियो में हम पूरा जानकारी आपको देंगे, कैसे सिलेक्शन होगा, क्या क्या क्राइटेरिया है, सब कुछ। आपको सिर्फ इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा। फ्रेंड, रिक्रूटमेंट ऑफिस हेडक्वार्टर लखनऊ, आर्मी रिक्रूटमेंट रैली एट फेतपुर। दोस्तों, इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन पे भरना होगा और ऑनलाइन पे फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। दिसंबर महीने का 4 तारीख से चलेगा अगले महीने का 17 तारीख तक। दोस्तों, जो 10 डिस्ट्रिक्ट है, पहला आरिया, दूसरा बांडा, तीसरा बाराबंकी, फोर्थ चित्रकोट, फाइव फेतपुर, गोंडा, हमीरपुर, कन्नौज, कानपुर, देहात, कानपुर नगर, लखनऊ, महोबा एंड उन्नाव। फ्रेंड, सिर्फ इस 10 डिस्ट्रिक्ट से मेल या फीमेल बोथ कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड, ऑनलाइन पे भरना फॉर्म स्टार्ट हो चुका है दिसंबर महीने का 4 तारीख से और चलेगा अगले महीने का 17 तारीख तक। और दोस्तों, जो एडमिट कार्ड आपका ऑनलाइन पे फॉर्म भरने के साथ ईमेल आईडी दिया था, उस ईमेल आईडी पे आपका एडमिट कार्ड मेल किया दिया जाएगा जनवरी महीने का 18 तारीख से फरवरी महीने का 1 तारीख के अंदर। उसके बाद आपको उस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना होगा और डाउनलोड करने के बाद आपका रैली जो एड्रेस है फेतपुर रैली पर जाना होगा। रैली स्टार्ट होगा फेब्रुआरी महीने का 2 तारीख से चलेगा फेब्रुआरी महीने का 20 तारीख तक। दोस्तों, इसके बाद हम पूरा जानकारी आपको देंगे पोस्ट के बारे में, क्या एडुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या एज और भी जानकारी आपको देंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों पोस्ट। दोस्तों, टोटल सात सॉरी दोस्तों टोटल 6 अलग अलग पोस्ट है। अलग अलग पोस्ट, अलग अलग एडुकेशन क्वालिफिकेशन, अलग अलग एज और भी कुछ से पूरा जानकारी आपको देंगे। कौन सी पोस्ट के लिए कैसे एडुकेशन लगेगा और भी जानकारी। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं। दोस्तों, जो पहला पोस्ट है सोल्जर जनरल ड्यूटी, इस पोस्ट के लिए आपका एज मिनिमम 17.5 होना चाहिए और मैक्सिमम 21 साल। और फ्रेंड, हाइट मिनिमम 169 सेंटीमीटर, वेट 95 किलोग्राम और जो चेस्ट नॉर्मल में आपका चेस्ट होना चाहिए 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर एक्सप्रेशन करना होगा यानी फुलाना होगा। और जो एडुकेशन क्वालिफिकेशन, दोस्तों सोल्जर जनरल ड्यूटी के पोस्ट के लिए आपका एडुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए मिनिमम 10 पास, टोटल 45% नंबर के साथ और पर सब्जेक्ट पे 33% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद तब जाके आप सोल्जर जनरल ड्यूटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट सोल्जर टेक्निकल, इस पोस्ट के लिए आपका एज मिनिमम 17.5 होना चाहिए और मैक्सिमम 23 साल। और फ्रेंड, हाइट आपका होना चाहिए 169 मिनिमम, वेट मिनिमम 50 केजी,
चेस्ट नॉर्मल में 77 यानी 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपको एक्सप्रेशन करना होगा। दोस्तों सोल्जर टेक्निकल पोस्ट के लिए आपका एडुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10 प्लस 12 पास, 50% नंबर के साथ टोटल में आपका पास होना चाहिए और पर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स होना कंपलसरी। दोस्तों नेक्स्ट जो पोस्ट है सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट एंड नर्सिंग असिस्टेंट राइटरी। इस पोस्ट के लिए आपका एज मिनिमम 17.5 होना चाहिए और मैक्सिमम 23 साल। आपका हाइट मिनिमम 169 सेंटीमीटर और वेट 50 kg और जो आपका चेस्ट नॉर्मल में होना चाहिए 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंशन करना होगा यानी फुलाना होगा। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए रखा गया फ्रेंड 10 प्लस 12 पास होना चाहिए टोटल 50% नंबर के साथ साइंस विभाग में और पर सब्जेक्ट पे 40% नंबर होना चाहिए तब जाके आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो पोस्ट है सोल्जर क्लर्क एंड स्टोर कीपर टेक्निकल। इस पोस्ट के लिए आपका हाइट मिनिमम होना चाहिए 17.5 और मैक्सिमम 23 साल, सॉरी मिनिमम आपका एज होना चाहिए 17.5 साल और मैक्सिमम 23 साल। और जो हाइट है हाइट मिनिमम होना चाहिए 162 सेंटीमीटर और वेट 50 किलोग्राम। और जो चेस्ट है दोस्तों आपका नॉर्मल में 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर लाना होगा। और दोस्तों जो एडुकेशन क्वालिफिकेशन है सोल्जर क्लर्क और स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए आपका एडुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10 प्लस 12 पास एनी विभाग में, मतलब आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी विभाग में आप 60% नंबर के साथ पास किया तो 10 प्लस 12 यानी 12 क्लास और पर सब्जेक्ट पे 50% नंबर है तब जाके आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट सोल्जर ट्रेड्समैन। फ्रेंड इस पोस्ट के लिए आपका एज मिनिमम 17.5 होना चाहिए और मैक्सिमम 23 साल। इस पोस्ट के लिए आपका हाइट 169 सेंटीमीटर और वेट 50 kg। और जो चेस्ट है आपका चेस्ट मिनिमम 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा यानी एक्सप्रेशन करना होगा। और सोल्जर ट्रेड्समैन 10 पास। इस पोस्ट के लिए आपका एडुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए सिंपल 10 क्लास पास। दोस्तों नेक्स्ट जो पोस्ट है सोल्जर ट्रेड्समैन 8 पास। इस पोस्ट के लिए आपका एज मिनिमम 17.5 होना चाहिए और मैक्सिमम 23 साल। हाइट 169 सेंटीमीटर 50 kg आपका वेट होना चाहिए। चेस्ट नॉर्मल में 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा यानी एक्सप्रेशन करना होगा। और सोल्जर ट्रेड्समैन 8 पास पोस्ट के लिए आपका एडुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए मिनिमम सॉरी सिंपल 8 पास है तो तब जाके आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड कुछ कैंडिडेट को फिजिकल स्टैंडर्ड पे छूट मिलेगा जैसे SOS यानी सन ऑफ सर्विसमैन। फ्रेंड मान लीजिए आपका पिता अभी भी इंडियन आर्मी में काम करता है तब जाके आप फिजिकल स्टैंडर्ड पे आपका छूट मिलेगा जैसे हाइट पे 2 सेंटीमीटर, चेस्ट पे 1 सेंटीमीटर, वेट पे 2 kg। एक सर्विसमैन आपका पिता कभी भी इंडियन आर्मी में काम करता था अभी रिटर्न हो चुका है उसका बेटा है तो आपको भी छूट मिलेगा हाइट पे 2 सेंटीमीटर, चेस्ट पे 1 सेंटीमीटर, वेट पे 2 सेंटीमीटर। दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं PFT यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फ्रेंड आपको 1.6 किलोमीटर रन देना होगा। जो जो कैंडिडेट 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर
1.6 किलोमीटर रन कंप्लीट कर देगा उस कैंडिडेट को 60 मार्क्स मिलेगा, और जो जो कैंडिडेट 1.6 किलोमीटर रन 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर कंप्लीट करेगा उस कैंडिडेट को 48 मार्क मिलेगा। दोस्तों उसके साथ आपको पुल अप्स देना होगा, 10 पुल अप के लिए आपका मार्क्स 40 दिया जाएगा, 9 पुल अप्स के लिए 33 दिया जाएगा, 8, 7, 6 पुल अप के लिए आपका मार्क्स 27, 21 एंड 16 दिया जाएगा। उसके साथ आपको जिग जैग बैलेंस रहेगा। तो दोस्तों आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा। आप फिजिकल मेजरमेंट कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा। फ्रेंड इस वीडियो में बस इतना ही, आपको दूसरे वीडियो में पूरा जानकारी आपको दे देंगे। अब जब रैली में जाएंगे आपके साथ क्या क्या ले जाना होगा, यानी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट आपको ले जाना पड़ेगा, पूरा फुल डिटेल्स एक वीडियो में हम दे देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आपको पसंद आई होगी। दोस्तों इस वीडियो को आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्त आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली गवर्नमेंट जॉब का अपडेट करता रहता हो। फ्रेंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।